ईश्वर का नाम जपते हुए तो दुनिया विच ज्ञान का प्रकाश फैलाउंदे हुए श्री गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुँच गए। उस समय दिन चढ़ रहा सी। बहुत सारे साधु संत अते यात्रु हरिद्वार विखे इशनान कर रहे सन। सूरज पूर्व वाले पास्यों उदय हो रहा सी। सूरज नू चढ़दा वेख के बहुत सारे यात्रु ते साधु संत सूरज वल मूँह करके पानी सुटन लग पे। गुरु जी उन्हां दे फोके वहम नू दूर करना चाहते सन, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्हां लोकां नू सीधे राह पाउण वास्ते कोई नाटकी कार्ज करना पवेगा। इसलिए गुरु जी भी हरिद्वार दे पानी विच चले गए अते पछम वाले पासे वल मूँह करके छेती छेती पानी सुटन लग पे। सारे वेखण वाले उन्हां दी इस किरिया नू देख के बड़े हैरान होए। सारे कहन लगे, तुसी कौन हो? तुहानू इन्ना भी नहीं पता कि सूरज तां सामने पूर्व वलों चढ़ रहा है पर तुसी पानी पछम वल सुटी जा रहे हो। गुरु जी मुस्कुरा पए ते कहन लगे, भाई सज्जनों, मैं तां किसी खास उदेश की पूर्ति दे लई ए पानी इधर नू सुट रहा हाँ, पर मेहरबानी करके मैनू ए दसो कि तुसी चढ़दे पासे वल पानी क्यों सुट रहे हो। वो सारे लोग गुरु जी नू अणजाण समझदे सन। उन्हां विचों कुछ लोग बोले, असी तां अपने पूर्वजां नू पानी दे रहे हाँ जो सूरज तो भी करोड़ां मीलां की दूरी ते स्वर्ग लोक विच रहिंदे हन। साडे द्वारा दिता गया पानी जदों उन्हां तक पहुँचदा है तां वह संतुष्ट हो जाते हैं। गुरु जी उन्हां दी गल सुन के बड़े हैरान होए। गुरु जी ने एक लीला रची। वो कहन लगे, मैं पंजाब तो आया हाँ जो पछम दिशा दे विच है। उधर मेरे खेत सुक रहे हैं, इसलिए मैं अपने खेतों नू पानी दे रहा हाँ ते इधर तुसी मैनू रोक रहे हो। ये गल सुन के लोकां विच उत्सुकता होर भी वध गई ते वह हैरान हो के पुछण लगे कि तुहाडे खेत इत्थों किन्नी कु दूर हन। गुरु जी ने कहा, कोई बहुती दूर नहीं हन, बस इत्थों 250-250 कोते ही हन, पर मेरी बेनती है कि तुसी मैनू तंग ना करो। गुरु जी की यह गल सुन के वह सारे हस पे ते कहन लगे, बई भलिया पुरशा, तू इन्ना सीधा है, जेड़ा पानी तो बुक्कां नाल सुट रहा है वो तो गंगा दे जल विच मुड़ इत्थे ही डिगी जा रहा है, ये तेरे खेतां तक एडी दूर किवें पहुँचेगा। फिर गुरु जी कहन लगे, जे तुहाडा दिता जल सूरज दे भी पार पहुँच सकता है जो साड़ी धरती तो करोड़ां मीलां दी दूरी ते है, तां मेरा दिता जल पंजाब दे खेतां तक तां पहुँच ही जाएगा। सारे लोग गुरु जी का तर्क सुन के हैरान रह गए। इसे तरह गुरु जी ने उन्हां दा अंधविश्वास तोड़िया। फिर गुरु जी ने उन्हां नू समझाया कि अपने बजुर्गां नू मरण तो बाद पानी पहुँचाउण तो चंगा है कि तुसी जिउंदे जी उन्हां दी सेवा कर लो। गुरु जी दे बोल सुन के सब ने गुरु जी नू नमस्कार कीती। इसे घटना क्रम दी याद विच इत्थे गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी सुशोभित है। फिर हरिद्वार तो चल के गुरु जी इस दुनिया नू तारदे हुए पटना विखे पहुँच गए।